नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। सपा कांग्रेस गठजोड़ अधर में, सपा ने कांग्रेस की जीती सीटों पर भी उतारे उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन के तमाम कयासों के बीच सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कड़ा संदेश देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस पार्टी ने चुनावी तालमेल को लेकर अब तक कोई सकारात्मक बात नहीं की है और सपा उसे कुल 403 में से केवल 85 सीटें ही दे सकती है। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने यहां कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। इसके लिए कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की गई, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन इसलिए भी खटाई में पड़ता दिख रहा है क्योंकि सपा ने उन विधानसभा क्षेत्रों में भी उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती थी। इस बात को इससे भी बल मिलता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने छोटे दलों से समझौते के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर भाजपा को परास्त होते देखना चाहती है तो उसे सपा के फार्मूले को मानना होगा। इस फार्मूले के तहत पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रही थी और वे सीटें जिन पर सपा तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पर रही थी वे कांग्रेस को दे दी जाएंगी। नंदा ने कहा कि इस हिसाब से कांग्रेस को 54 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वह गंभीरता से बातचीत करे तो उसे 25-30 सीटें और दी जा सकती हैं। यह पूछे जाने पर कि सपा द्वारा शुक्रवार को घोषित 191 सीटों में कई वे सीटें हैं जिन पर वर्ष 2012 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस जहां जीती है वह सीट उसे दे दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि नंदा ने गुरुवार को कहा था कि सपा करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा था कि वह कांग्रेस के लिए 100 या 103 सीटें छोड़ सकती है। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को भी शामिल करने की बात थी, मगर बाद में सपा ने यह इरादा छोड़ दिया था। नंदा ने कहा कि सपा अब भी कांग्रेस से तालमेल करना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होने पर सपा अमेठी और लखनऊ छावनी सीट अपने पास ही रखेगी, उसके एवज में वह अपनी एक एक जीती हुई सीट दे देगी। नंदा ने बताया कि सपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी सोमवार को पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे और फिर बुधवार से भी अपना प्रचार शुरू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव अखिलेश के चेहरे और नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी नेताजी का नाम और अखिलेश जी का काम के नारे पर चुनाव लड़ेगी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर अपना आदेश एक सप्ताह तक के लिए टाला। सीरिया में अलेप्पो के पश्चिम में हवाई हमले में 40 से अधिक जिहादी मरे। रेल बजट विलय के लिए नियम परिवर्तन को राष्ट्रपति की मंजूरी। पेंटिंग से तुलना करने पर दंगल गर्ल जायरा वसीम ने खेल मंत्री विजय गोयल पर साधा निशाना। जल्लीकट्टू के समर्थन में आए फिल्म अभिनेता पवन कल्याण। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।